मंगलमय मंगल करण बीत राग बेज्ञान नमोताई जाते भये अरहंतादि मान कर मंगल कर को मखा ग्रंथ करण को काल जाते मिले समाज सब पावे निज पद। देखते जाइए कसाई की परिभाषा है आत्मा के भीतर कलुष भीतरी आत्मा के भीतरी कलुष परिणाम को कसाय कहते हैं। कलुषित परिणाम क्या होते हैं ये अपन देखते हैं अभी। कलुषित परिणाम आत्मा के स्वरूप का घात करने थोड़ा शॉर्ट करें थोड़ा दब रहा है अच्छा थोड़े से वैसे करें घात करने से कसाय ही हिंसा है। आत्मा के स्वरूप का घात करने से कसाय ही हिंसा है। बुरे काम होने के कारण इसी को हम पाप भी कहेंगे। पाप समझाएंगे अभी हम आपको इसमें आगे जा करके। तो आत्मा के स्वरूप का घात करने से ये कसाय ही हिंसा है। आगे लिखा है मिथ्या सबसे बड़ी कसाय है। क्रोधादि परिणाम आत्मा को कुगति में ले जाने के कारण कसते हैं। ये सब राजवार्तिक की परिभाषा है इसको अपन समझ रहे हैं। देखिए आत्मा के भीतरी परिणाम को कलुषित करता है कसता है। ये तो आपने पढ़ा बालबोध में जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसका नाम कसाय। कसे का मतलब समझते हैं कसे कोई रस्सी से आपको कस के बांध दे तो कैसा होता है। कोई रस्सी से कस के बांध दे तो आपको कैसा लगता है कि जैसी आपको कसावट लगती है दुख लगता है तकलीफ लगती है उसी का नाम है कसाय। ऐसे जब जब आत्मा में क्रोध मान माया लोभ के परिणाम होते हैं तो आत्मा कसाता है। कसाता समझ गए आत्मा के परिणामों की हिंसा होती है घात होता है। घात का मतलब समझिए आप घात का मतलब कि आप प्रसन्न नहीं हो पा रहे। मान कसाय वाला अच्छा मेरा अपमान कर रहे हैं ऐसे बोलना चाहिए मेरे बारे में मैं करोड़पति हूँ मुझे लखपति कह रहे हैं मतलब वो हंस नहीं पाता। मान कसाय से भी जीव कसाता है क्रोध कसाय से भी मैं इसका बदला कैसे लूं इसे मारूं कैसे इसे ठोकूं कैसे इसका बुरा कैसे करूं। दोनों में क्रोध और मान दोनों में जीव कसा रहा है। मायाचारी में भी जीव कसाता है मायाचारी मैं कैसे बोलूं कैसे इसको फंसाऊं कैसे इसको समझाऊं ये कैसे मुझे अच्छा समझे इसकी नजरों में चढ़ जाऊं मायाचारी इसमें भी जीव कसाता है। तीनों में का मतलब चारों कसायों का मतलब ये है। कष्टे का क्या अर्थ लगवा हो गया कष्टे का मतलब आत्मा के को कसे कसे मतलब प्रसन्न नहीं होने दे अर्थात दूसरी ओर से कहो तो घात करता है। कष्टा मैंने घात करता है घात करता मैंने हिंसा और हिंसा का मतलब बहुत सरल भाषा में कहो तो चारों कसाय जब तक है आपको प्रसन्न नहीं होने देगी। क्या बोला कष्टे का मतलब क्या निकल आया यदि चार कसाय होंगी तो आप प्रसन्न नहीं रह सकते। जिन्हें प्रसन्न रहना हो उन्हें चारों कसाय को जीतना चाहिए। तो ये तो हुआ कसने का। आइए आगे बढ़ते हैं। आत्मा के स्वरूप का घात करने से कसाय ही हिंसा है बराबर। सबसे बड़ी कसाय कौन सी है मिथ्यात्व। मिथ्या सबसे बड़ी कसाय है और इन मिथ्यात्व के चार बेटे हैं। मिथ्यात के चार बेटे हैं क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी की अपेक्षा से कहेंगे तो। लेकिन आगे भी जाएगी ये चर्चा अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजलन। देखिए क्रोधादि परिणाम आत्मा को कुगति में ले जाने के कारण कसते हैं। चार आपने नाम सुने वो चार कसाय और चार कसाय चार गति का कारण पता है आपको। क्रोध की मुख्यता से नरक मान की मुख्यता से मनुष्य माया की मुख्यता से त्रयंग और लोक की मुख्यता से देव। तो एक प्रश्न आएगा परीक्षा में हमने इशारा कर दिया हम बीच बीच में बताते जाएंगे पेपर
तो ऐसे आप आउट कर लो करना हो तो कि चार कषायों की मुख्यता से कौन कौन सी गति में जाता है, तो आप बता दोगे? बोलो, क्रोध की मुख्यता से नरक, मान की मुख्यता से मनुष्य, माया की मुख्यता से प्रेम और लोभ की मुख्यता से देव। चलिए ठीक है, तो कुगति में ले जाने के कारण कष्ट है। फिर राजवार्तिक में ये परिभाषा मिलती है, कषायात्मात्मान मृति कषायः, अर्थात जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसका नाम कसाय। देखो बालबोध दो में राजवार्तिक की परिभाषा दी है कसाय की। कभी आपसे कोई पूछ ले या पढ़ाए कहीं, तो राजवार्तिक में से ही परिभाषा ली गई है, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे। तो कसे का मतलब समझ आए थोड़ा सा आपको? क्रोध में भी कसता है, मान में भी कसाता है, माया में भी कसाता है और लोभ में भी कसाता है। लोभ में भी मुझे और प्रॉफिट हो जाए, और प्रॉफिट हो जाए, लोभी आदमी ढंग से खा भी नहीं पाता। और की चाहे बनी रहती, तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके, लहर जहर की आवे, तो कसाता है। चला गया, क्या हुआ है? एक जन ही बैठ लो, सामने आके बैठ जाओ, नहीं तो नहीं तो फिर मेरे सामने रख दे टेबल पे, तो मैं चलाता रहूंगा। यहाँ नहीं आ पाएगा? चलो कोई बात, तो आप यहीं बैठिए। चलिए अभी एक कमाल की बात है, एक बहुत मार्मिक पंक्ति बतानी मुझे, ध्यान से समझेंगे आप। आत्मा का अनुभव किए बिना कसाएं काम तक नहीं होती। क्या बोला हमने? आत्मा के अनुभव के बिना, स्वानुभव के बिना कसाय कम करना ऐसा है जैसे बिना ब्रेक की ट्रेन, बिना ब्रेक की बस। आप रोक सकते हो? फिर से बोल रहा हूँ, मिथ्या दृष्टियों में 99% नहीं 100% की ये प्रॉब्लम है कि सम्यक दर्शन करने का उपाय कोई नहीं करना चाहता। ये लोग तो पूछते मिल जाएंगे, पंडित जी हमें बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्सा कम कैसे हो? मान माया लोग का तो कोई पूछता भी नहीं है कि पंडित जी मुझे बहुत मान कसाय है, कम कैसे हो? मायाचारी में तो आज तक कोई नहीं पूछता कि पंडित जी मेरे बहुत मायाचारी में कम कैसे करूं। लोभ कसाय को भी कोई बुरा नहीं मानता, एक साल में 1 करोड़, 2 साल में डबल हो जाए, 3 साल में और डबल हो जाए, 4 करोड़ हो जाए, तो आपको बुरा लगता किसी का? ये भी एक दो तरह के मिथ्यात हो गए, दो, वैसे तो बहुत मिथ्यात है लेकिन दो, कौन कौन से? एक तो क्रोध को तो कसाय मानते हैं लेकिन मान माया लोभ को कसाय नहीं मानते, ये पहला मिथ्यात। क्या बोला, कौन बोलेगा? बोलोगे? वेरी गुड, बोलो बेटे। हाँ, क्रोध को तो, हाँ क्रोध को तो कसाय मानते हैं लेकिन मान माया लोगों को कोई कसाय भी नहीं मानते, नंबर वन। ये पहला हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ दूसरा बोलो। हाँ नहीं, मुझे तो पहला हो गया, बैठ जाइए। अभी दूसरा, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मुझे सम्यक दर्शन करना है, सम्यक दर्शन करने का उसे समझ में नहीं आता, उसे घटाने का उपाय करता है। पहले तो मानता नहीं और फिर घटाता है, पंडित हम क्रोध को कैसे कंट्रोल करें? तो हम सीधे कह रहे हैं सम्यक दर्शन करो, तो उसे समझ में नहीं आता सम्यक दर्शन का कसाय से क्या संबंध, समझना जरा। तो 99% नहीं 100% लोग मिथ्या दृष्टि ये उपाय करेंगे। आपने देखा है घरों में जब गुस्सा आती है तो क्या होता है, तो जो थोड़ा सा भी नरम होता है ना, नरम नरम माने सम्यक दृष्टि नहीं, थोड़ा मंद कसाई, तो मानो क्या करता, ठीक है अब हम बोलेंगे नहीं जिससे गुस्सा आ जाए, क्या फायदा हम बोले कसाय हो जाए, अब हम बोलेंगे नहीं तो गुस्से ही नहीं आएगी, तो लोग चुप हो जाते हैं, आज के बाद बोलेंगे नहीं, कसम है जो हम बोले, इससे क्रोध खत्म हो जाता है? क्रोध खत्म नहीं हो जाता, बल्कि ज्वालामुखी की तरह अंदर दहकता है। कुछ कहा मैंने, जो लोग अपना क्रोध व्यक्त नहीं कर पाते उनका क्रोध दहकता है ज्वालामुखी की तरह, अंदर अंदर भरा रहता है। जैसे देखो निदर्शन देते हैं, सास बहू का एग्जांपल सरल पड़ता है, सास बहू में बोला प्याली बंद हो गई, सास ने कहा हम बोलेंगे नहीं, तुम्हें जो देखे तो करो। अब सास बोलेगी तो नहीं लेकिन देख रही, वही देखो कैसे घी खींच रही, देखो लड्डू खा रही, देखो जे नहीं कि हमें पूछ ले, पूछ तक नहीं रही, देखो मैंने अंदर अंदर उसको वही वही दिखाई देगा। अब सोने के लिए चली जाए ना कमरे में, सो भी जाए तो भी, अब कोई देखने वाला तो है नहीं, टोकने वाला तो है नहीं, पटना नहीं बन गई, अभी तो खूब खा रही हुई है, हम थोड़ी कुछ देख रहे, खूब शक्कर खा रही होगी, लड्डू खा रही होगी, मैंने उसको वहां बैठे बैठे भी वो ही दिखाई दे रहा। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई बुरा नहीं मानना, अन्यथा भी नहीं लेना,
एक बार आपके अंदर में जो कसाय है उसे कह देना अच्छा है, लेकिन अंदर छिपा के रखना बड़ा कठिन काम है। एक बार कह दो आप, हालांकि लोग उसे बुरा समझेंगे, आप भड़ास निकाल दे रहे हो। कल जैसे दादा कह रहे थे ना कि कहां है, सबकी खटिया खड़ी कर देंगे। तो खटिया खड़ी नहीं करेंगे, वो बोला जरूर है, कुछ नहीं करेंगे, बच्चों की तरह बोलते हो। मैंने सबको ऐसा लगे, अरे वाह डॉक्टर साहब सबके सामने ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भाई बोल रही है, बोल ही रहे, केवल उनके अंदर में कुछ नहीं है। और एक बात बताऊं, जो अंदर नहीं रखते वो कोई कह भी पाते हैं, और जो अंदर अंदर गिन गिन के बदला लेता है ना वो बोलता नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, कदाचित जरूरत पड़े तो भड़ास निकाल देना चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए, लेकिन छिपा के नहीं रखना चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि वेद विज्ञान करके सम्यक दर्शन करना चाहिए। क्या बोला, सबसे अच्छा क्या है? हाँ सम्यक, मैं फिर कह रहा हूँ सम्यक दर्शन करना चाहिए। अभी बताऊं या बाद में बताऊं? सम्यक दर्शन, देखो जब आत्मा पर से सुखी नहीं होता तो पर के नहीं मिलने पर क्रोध क्यों होगा? और पर यदि मिल भी गया पुण्य को देखी सामग्री तो मान क्यों होगा? मैं उसे सुखी तो होता ही नहीं हूँ। पॉइंट पकड़ में आए कुछ? फिर से कौन को समझ में आई ये बात? फिर से सुनो, पहले सुनो बेटे, लिखो नहीं। मैंने इसलिए नहीं दिखाया इसको कि आप लिखें, आप समझने की कोशिश करिए। इसको दिखाने का उद्देश्य तो है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट फोकस हो सके। बाद में आप कहेंगे छोड़ देंगे, आप लिख लेना, आप पेपर लेना चाहे तो पेपर ले लेना, चाहे तो पीडीएफ ले लेना, लेकिन आप समझे पहले। फिर से अपन कौन है? आत्मा। अपन कौन है? अपन पर पदार्थों से सुखी होते कि नहीं होते? नहीं होते। तो नहीं मिलने पर गुस्सा आएगा क्या आपको? जो चीज हमारी सुखी सामग्री नहीं, वो नहीं मिले तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। अब मान के चलिए मिल ही जाए, पुण्य को दैसे छह खंड मिल जाए, तो मान कर साहब क्यों होगी? उससे तो मैं सुखी होता ही नहीं। जिससे मैं सुखी नहीं होता उसके मिलने पर मान भी नहीं होगा, और फिर मायाचारी से ऐसे सामान को प्राप्त करने की मायाचारी भी नहीं करेगा, और जब उसे सुखी नहीं होता तो उसके लिए लोभ भी नहीं होगा, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। क्यों? मैं उससे सुखी होता तो जैसे ही आत्मा का अनुभव होता है अनंतानुबंधी चार कसाई टूट जाती है। फिर से बोलता हूँ, केवल ऊपर का बोल चाल बदल करके कोई क्रोध को रोकना चाहे तो नहीं रोक सकते। क्या सूक्ति लिखी जोरदार? स्वानुभव के बिना कसाय रोकना बिना ब्रेक के रेल रोकने जैसा है। अगला पॉइंट है, पाप एकांत पाप रूप ही है। पाप एकांत पाप रूप ही है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। लेकिन लोक व्यवहार में, लोक व्यवहार में, फिर से सुनेंगे सभी लोग ध्यान से, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जितनी कसाय है वो टोटली पाप ही है। क्या बोला हमने? जितनी भी कसाय है, जितनी भी चाहे इतनी सी भी क्यों ना हो, संजीवन कसाय भी क्यों ना हो, वो पाप ही है। कसाय अपने आप में पाप ही है। एक बार बोलो जरा। हाँ ये याद रखना। अब लेकिन लोक व्यवहार में, आगम परिपाटी में, आम पब्लिक को कसाई नहीं दिखती। क्रोधमान माए लोग दिखता है किसी को? वो दिखता ही नहीं है। तो फिर क्या करते हैं आचार्य देव, कि मंद कसाय को पुण्य कहते हैं और तीव्र कसाय को पाप कहते हैं। मंद कसाय को क्या कहते हैं? पाप। हाँ मंद कसाय को पुण्य और तीव्र कसाय को पाप कहते हैं, लेकिन वे पाप ही हैं। बराबर समझ में आया? क्योंकि आम पब्लिक नहीं समझेगी, तो आम पब्लिक को तो ऐसे ही समझाना पड़ेगा, देखो ये पूजा कर रहे हैं ये पुण्य कर रहे हैं, ये गाली दे रहे हैं ये पाप कर रहे हैं, ये टीवी देख रहे हैं ये पाप कर रहे हैं, और भगवान का दर्शन कर रहे हैं पूजन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? पुण्य। ये केवल लोक व्यवहार की शैली है। खरेखर देखा जाए तो जितनी कसाय है वो पाप ही है। पूजा करते समय क्या कर रहे हैं आप हैं? क्या कर रहे हैं? अरे जोर से बोलो। पूजा करते समय, पूजा करते समय। अच्छा दिगंबर महाराज ग्रंथ लेखन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अब देखो बोलने की शैली में ऐसे नहीं बोल सकते, हम यही कहेंगे जो मंद कसाय है वो पुण्य है और जो तीव्र कसाय है, इसलिए मुंह से नहीं बोलना, बोलोगे तो आपको भगा दिया जाएगा, आपके प्रवचन कोई नहीं सुनेगा। लेकिन आप समझो, अंदर अंदर समझो ये अच्छी बात नहीं है, तभी आप चारों कसाय का अभाव करके यथाख्यात चारित करोगे। तो लोक व्यवहार में तो मंद कसाय को क्या बोलेंगे? पुण्य। और तीव्र कसाय को क्या बोलेंगे? पाप। लेकिन वास्तव में वो क्या है? पाप ही है।
ठीक। आगे देखिए, एक बहुत सुंदर सूक्ति लिखी नीचे, कसाय अग्नि है और मोह अंधेरा है। ये बहुत समझना, इस पे एक घंटा प्रवचन कर सकते हो, दो घंटा प्रवचन कर सकते हो आप यदि समझ गए तो। क्या बोला हमने बेटे, दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या लिखा है, कसाय अग्नि है और मोह अंधेरा है। अंधेरे में दिखाई नहीं देता, आपको पढ़ा होगा तत्वार सूत्र में 32वां सूत्र, नहीं पढ़ा तत्वार सूत्र, नहीं पढ़ा 12th वालों ने पढ़ा होगा, सर सतोर आपको समझ में आया। अंधेरे में रस्सी भी सांप जैसी दिखाई देती है, अंधेरे में रस्सी भी सांप जैसी दिखाई देती है, ऐसे मोह के अंधेरे में शरीर ही जीव दिखाई देता है। जब जब तुम्हें लगे ना कि मैं हिमालय हूँ तो समझना मोह का अंधेरा है। जब जब तुम्हें लगे ना मैं कमाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ए ये जग गए, ऐसे नहीं बैठना, अच्छे बैठ जाए। हाँ मैंने क्या क्या दृष्टांत दिया था, मैं खाता हूँ मैं कमाता हूँ, ये मोह का अंधेरा है। क्या बोला मैंने, मैं लड़का हूँ ऐसा आपको लग रहा है, मतलब मोह का अंधेरा है। और कसाय अग्नि की समान है, कसाय जलाता है जीव को, क्रोधाग्नि में जल रहा है जीव। ये तो बहुत सुना हुआ क्रोधाग्नि, वास्तव में चारों कसाय अग्नि है, इसमें कभी शांति मिल सकती नहीं है। बस एक अग्नि की भट्टी जैसी अग्नि है और एक गर्मा गर्म सोने के गहने पहना दिए जाए, गर्मा गर्म सोने के गहने पहना दिए जाए, 10 क्विंटल बहुत सारा हो गया ना सोना, 10 क्विंटल सोने के गहने, लेकिन गर्मा गर्म आपको पहनाए जाए तो आपको मजा आएगा कि नहीं आएगा। आप इगो तो कर सकते हो, देख तू लोहे की वो क्या कहलाता है भट्टी में जल रहा है, तू कोयले की भट्टी में, और मेरा पुण्य का बताए देख मैं 10 क्विंटल सोने के गहने पहन करके जल रहा हूँ। लेकिन जलोगे आप, ऐसी माया और लोभ में समझना ये अग्नि है। आगे चलते हैं अपन, अनंतानुबंधी आदि चार, इसका लिए मैंने चार्ट तैयार किया है, जब हम उसे पढ़ाएंगे तब उसे विस्तार से पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। अप्रभावना, नीचे वाला पॉइंट ले लिया अपने, अप्रभावना समझ में आ रहा है कुछ, मोह रूप परिणाम, मोह रूप परिणाम कसाय से, मोह रूप परिणाम और कसाय से, दोनों को साथ ले लीजिए, मोह रूप परिणाम से और कसाय से। मोह कैसा था भैया, अंधेरा, और कसाय कैसी थी, अग्नि के समान। चारों कसाय कैसी है, अग्नि, लोक कसाय में भी जलता है जी, मान कसाय में भी जलता है, और इन दोनों परिणाम यदि आपके पास हैं तो जैन धर्म की अप्रभावना होगी। क्या बोला हमने, अप्रभावना होगी। आप जैन धर्म, आप विद्वान, जैसे मैं विद्वान हूँ मान लो, या आप मेरी जगह खड़े हो जाओ प्रवचन करने जाओ, तो आप यदि क्रोध कर रहे हो तो अप्रभावना होगी, मान कर रहे हो तो अप्रभावना होगी, माया कर रहे हो तो लोगों में फौरन फेमस हो जाए, बहुत मायाचारी करती है, जरा सा पैसा क्या चाहिए उसके लिए कितना घुमाते फिराते हैं, तो मायाचारी से अप्रभावना होगी, और लोग कसाय होगी तो भी अप्रभावना होगी। आपको पता है, आप खुद ही प्रैक्टिकल करके देखो, कोई आपके घर में भोजन करने आए और खुद ही आगे से कहे लड्डू, अरे वाह तो दो लड्डू खाऊंगा, तो उसे एक लड्डू देने में प्राण दोते हैं, लड्डू लड्डू खाएगा, मैंने वो मांगे तो कितना बुरा लगने लगता है, लोभ कसाय में ऐसे जलता है। अब मान के चलो आप नहीं मांगो, जैसे उन्होंने लड्डू नहीं 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 चाहिए, अरे नहीं बेटे, अरे बेटे बड़ी मुश्किल से बनाए, बड़े भाव से बनाए बेटा, एक तो ले दी, फिर तुमने कहा चलो नहीं मान रही एक दे दी, अरे एक और ले दी बेटा, तो दो लड्डू खिलाएंगे आपको और आपकी बड़ी प्रभावना करेंगे, भैया लड्डू देख के जरा खुश नहीं भाई, आप बीत रागी होके देखो, ऐसे नहीं कोई लड्डू दिखाओ रहे भाई, इतने से में आपकी अप्रभावना हो जाएगी, और आप शांति से थाली में देखते रहो, मैं लड्डू परसेंगे आपको, एक दो आप दो खा लेना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने वाला कहेगा ऐसे बेटे नहीं देखे हमने, ऐसे पंडित जी नहीं देखे, इतनी छोटी छोटी उम्र के स्मारक के विद्वान देखो, कोटा के विद्वान देखो, बांसवाड़ा के विद्वान देखो, और भोपाल के भी अब तो चारों ही इधर है ना, पांचों में बल्कि नहीं, उदयपुर के भी तो बच्चे हैं, तो बेबी है हमारा, मतलब पांच, देखो इन बच्चों को देखो भोजन के प्रति आकर्षित नहीं होते, समझ में आया, तो इससे प्रभावना होगी, चलें। तो मोह से और कसाय से अप्रभावना होती है। फल, इसका फल क्या होगा, कसाय का फल क्या होगा, ये जरूर आप अच्छे समझना,
आप चाहें तो जिंदगी में इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप जिंदगी में अपने जीवन में इसे घटा सकते हैं। फल के रूप में देखिए क्या क्या होगा, आपकी शक्ति का नाश होगा, आगे क्या लिखा, प्रभुता का नाश होगा, पुण्य का नाश होगा और शत्रुता का जन्म हो जाएगा। शक्ति नाशक में, शक्ति में शरीर की शक्ति और ज्ञान की शक्ति दोनों लेना है, चाहे तो बुद्धि लिख सकते हो आप, प्रतिभा भी लिख सकते हो। क्या क्या शक्ति नाशक, आपने देखा जब बहुत जम गुस्सा आता है तो शक्ति कमजोर हो जाती है, बहुत तेज गुस्सा में आप पानी भर के ला सकते हो, फुल भर के लाना है एक बाल्टी, एक बूंद भी नहीं ढुलना चाहिए, फुल भर के लाना है, तो गुस्से में लाओगे तो पक्के ला हम ले जा रहे लिया तो गुस्से में जब पानी ले जाओगे तो ढुलेगा पक्की बात, माने आप में इतनी शक्ति नहीं होती। आपने पता है क्रोधी आदमी को सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, क्रोधी आदमी, सुनना ध्यान से, बहुत काम की बात कर रहा हूँ, आप में से प्राय करके लोग शिक्षक बनना पसंद करेंगे तो आपको बता रहा हूँ, जो शिक्षक बच्चों के ऊपर गुस्सा उतारते हैं उनमें बुद्धि नहीं होती। जल्दी बोल गए तो फिर से बोलता हूँ, क्या बोला मैंने, जो शिक्षक बच्चों पर गुस्सा उतारते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, इसका मतलब उनके पास बुद्धि नहीं है। क्यों, फिर से सुन लीजिए, क्रोध के तीव्र वेग में बुद्धि की शक्ति घट जाती है, शरीर की शक्ति घट जाती है। आप बहुत तेज क्रोध में गाड़ी नहीं चला सकते, कंपित होने लगता है, क्रोध में पूरा शरीर कांपने लगता है, कमजोर हो जाता है, तो बोल ही नहीं निकलती, सही बात बोल नहीं पाता, बोलने की शक्ति घट जाती है, मन वचन काय तीनों की शक्ति घट जाती है, बुद्धि भी घट जाती है। ये प्रैक्टिकल करके देखना, रेड शर्ट, क्या नाम है आपका, विकास, कहाँ से आए हो, भोपाल से, वेरी गुड। तो अभी ध्यान से सुनो, प्रभुता का नाशक, प्रभुता का नाशक समझ गए, प्रभुता माने लोग आपका बहुमान करें, लोग आपको आगे बढ़ाएं, आपकी बात माने, आपकी बात सुने, इसको कहते हैं प्रभुता। प्रभु क्यों कहलाते हैं भगवान, भगवान प्रभु क्यों कहलाते हैं, कि उनकी बात का सब आदर करते हैं, उनकी बात को सब मानते हैं, और जो जो उनकी बात को मानते हैं वे सब सुखी हो जाते हैं। प्रभुता का घात होता है कसाय से, जैसे आपने घर में देखा, थोड़ा घर में आपके पापा गुस्सा करके आपको कोई बात समझाते तो आपको उनकी बात समझ में ही नहीं आती, वे कहते करना पड़ेगा और आप कहते नहीं करूंगा, फिर आप ऊपर से मना नहीं कर सकते तो चुप रह जाते हैं आप, पापा बोलते हैं कि तू करेगा कि नहीं करेगा बोल, तो चुप रह जाएगा, नहीं करेगा होगा। आप देख लेना, क्रोध से किसी से काम नहीं करा सकते, प्रेशर से कोई काम नहीं करा सकते, सबसे अच्छा तरीका है ब्रेन वॉश, सबसे अच्छा तरीका है ब्रेन वॉश, यदि उसे समझ में आ जाएगी तो जरूर करेगा। और जितने लोग सहनशील होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनकी प्रभुता चलती है, प्रभुता समझ गए, प्रभुता माने लोग उनकी बात का आदर करते हैं, उनसे सलाह लेना पसंद करते हैं। ठीक, कितनी बातें बता दी अभी तक, मन की शक्ति घटती है, वचन की शक्ति घटती है, काया की शक्ति घटती है। आपको पता है क्रोधी आदमी अच्छी भाषा नहीं बोल सकता, जिसको कहते हैं बड़बड़ाता है, चिल्ला चौंट करता है, तो वचन की शक्ति घटती है क्रोध से। चारों कसाई में लगा लेना, चारों कसाई, अभी इतना समय नहीं, मैं चारों को घटा के दिखाऊंगा आपको। हाँ, कौन कौन सी शक्ति घटती है, मन वचन काय बुद्धि, चार ही घट गई। आगे कौन कौन सी घटी, प्रभुता का नाश हो जाता है, एक और गजब बात, पुण्य का नाश हो जाता है। यदि आपका पुण्य का उदय भी हो ना तो उसका भी नाश हो जाता है। कई बार आपने देखा है गुस्से में नुकसान और ज्यादा होने लगता है, मैंने कई बार देखा है, एक बूंद दूध ढुल रहा था बाल्टी पे से, क्या कहलाते कैन में से, तो उसे बचाने गए तो एक और छलक गया, एक बूंद घी बचाने गए तो मालूम पड़ा और ज्यादा बूंद घी गिर गया। कई बार गुस्से में देखो आपसे टूट फूट बहुत हो जाती है, सामान गिर जाता है, माने आपके पुण्य का उदय का नाश होता चला जाता है। समझ में आ रहे, चलिए कितनी बातें होंगी, पुण्य का नाश होता है। और सबसे कमाल की बात, वर्ल्ड में शत्रु कितने होते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, वर्ल्ड में शत्रु कितने होंगे और मित्र कितने होंगे, जल्दी बोलो, लगभग लगभग बताओ, अपन बहुत सोच समझ करके, दुनिया में शत्रु और मित्र कितने होंगे, बोलो। सुनो अब मैं बताता हूँ, उत्तर मिला लेना, जितनी आप में क्रोध है उतने शत्रु हैं, जितना ज्यादा क्रोध है उतना बड़ा शत्रु है, जितना कम क्रोध है उतने आपके मित्र हैं,
आप करके देख लेना, आप गुस्सा करके शत्रु पैदा करेंगे। एक बहुत अच्छी बात कही, यदि तुम्हें जीतना हो तो शत्रु को नहीं, शत्रुता को जीतो। क्या बोला हमने, जरा रिपीट करेंगे आप? यदि तुम्हें जीतना हो तो शत्रु को नहीं जीतो, शत्रुता को जीतो। क्या बोला हमने, जीतना हो तो क्षमा के द्वारा शत्रुता का नाश होता है। क्या बोला हमने, क्षमा के द्वारा शत्रुता का नाश होता है, मतलब वो शत्रु नहीं बचेगा। एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, रसिया की घटना है, रसिया की। एक बहुत बड़ा लेखक, बहुत ही बड़ा लेखक है, शायद बर्नार्ड शॉ है या कोई ऐसे कोई नाम है, बर्नार्ड शॉ होना चाहिए जहां तक है, मैं गलत हूँ तो सही कर लेना। उनकी एक बेटी थी, वो मोहल्ले में खेल रही थी, तो एक लड़के ने आके उसको छेड़ दिया होगा, चांटा मार दिया या कुछ कर दिया उसको, विकास। तो रोती रोती कहाँ गई, पापा के पास, रोती रोती आई, पिताजी बंदूक चाहिए मुझे। बोले क्यों, मैं उस लड़के को गोली मार दूंगी। बहुत गुस्से में थी, क्या हुआ है, उसने मुझे हैरान किया है तो मैं उसे गोली मार दूंगी। तो पिताजी ने समझ गए, इसे बहुत गुस्सा आ रहा है कि पिट पिटा के आई है। पिताजी सोचा यदि ये बंदूक दे दूंगी तो एक का मर्डर हो जाएगा, तो ये भी थाने में, पुलिस थाने चली आएगी, हम भी परेशान होंगे, बड़ा मुश्किल है। लेकिन बच्चे को सीधा मना नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने एक बात कही, एक काम करोगे बेटे, आप हमारे राजा बेटा हो या नहीं, हाँ, आप मेरे बात मानोगे कि नहीं, कि हम मानेंगे, तो बंदूक से जाकर उसे गोली जरूर मार देना, लेकिन उससे पहले एक गिलास शरबत का रस, शरबत का गिलास उसे दे के आ, बस इतना करना तेरे को, इसके बाद तू आना और गोली मार देना। तो पिताजी ने पहले ही कहला लिया था कि तुम राजा बेटा हो, पिता की बात मानते हो, बड़ों की आज्ञा मानते हो, सब कहला लिया, तो ठीक है, अब रेडी, ओके पिताजी, ना हो तो जल्दी से शरबत में दे के आऊं ताकि फिर गोली मार सकूं। तो अब ठीक है, तो आप केवल इतना ही बोलना है, डियर ब्रदर डू यू लाइक ड्रिंक जूस, इतना सा कहना है आपको, और कुछ नहीं कहना। तो लेकर गई गिलास, तो लड़का तो वहीं खड़ा था, उम्र में बड़ा था उससे, तो वहीं खड़ा था, तो हो गए, ओ ब्रदर, डियर ब्रदर डू यू लाइक दिस जूस। अब वो लड़का बेचारा, उसकी शक्ति कम हो गई बेचारी, घबरा गया वो, फिर पूछा हु सजेस्टेड यू, आपको किसने कहा कि आप मेरे के लिए जूस लेकर आइए। बोले माई फादर सजेस्टेड मी। ओके, जूस पीने के पहले उनके घर गया, उनके पैर छुए, उन्होंने पैर छुए, बोले आज से मेरी सिस्टर है, इस मोहल्ले में आज के बाद पूरे जीवन में इसकी रक्षा करूंगा, कोई इसको हैरान नहीं करेगा। जब वो पैर छू रहा था और पिताजी ने उसे गले लगा लिया, तो छोकरी तो वहीं खड़ी थी, वो लड़की बर्नार्ड शॉ की वहीं खड़ी हुई थी, तो वो ये देखने लगी, फिर उन्होंने कहा बेटा वो बंदूक उठा ले, वो रखिए, इसको गोली मार दे। लेकिन जब ये पूरा पूरा वातावरण बदल गया ना पूरा, तो लड़की बोली ऐसे कैसे मार दूं, ही इज माई ब्रदर। आप समझ में आया, इस घटनाक्रम में शत्रुता का नाश तो हुआ, लेकिन शत्रु का नाश नहीं हुआ, शत्रु ही मित्र बन गया। आप रत्नाकर साहब को चार्ज में पढ़ सकते हैं, कोई भी परमानेंट शत्रु नहीं है विश्व में, और कोई भी परमानेंट मित्र नहीं है। जो आज शत्रु दिखाई देते हैं, वे ही कल जोर से बोलो मित्र बनते दिखाई देते हैं, और जो आज मित्र हैं वे ही कल शत्रु बनते दिखाई देते हैं। समझ में आ गई आपको बात, तो शत्रुता का नाश करें। आइए आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा अपन आगे बढ़ाते हैं बेटे। हाँ निकालो, ये पाप लिखा हुआ देखो, दिखाई दे रहे पाप, हाँ यही पाप, ये आप पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। पाप की व्याख्या आप किस तरह से करेंगे अपने जीवन में भी, और बच्चों के बीच में भी, और समाज में जहाँ जाएं वहाँ, सभी लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। मैंने जानबूझकर इसको निकाला है, देखिए आप, ये नीचे नीचे, हाँ ये देखो, ये दिखाई, हाँ यही है बस। पढ़ेंगे भैया, कौन पढ़ेगा, विकास पढ़ोगे खड़े होकर के अच्छी बुलंद आवाज में? ये तो आपने पढ़ा ही है बाल बोध में, बिल्कुल ठीक। फिर क्या लिख रहे हैं, और मिथ्यात भी पाप है, मिथ्यात बाद में लिखा है, बैठ जाइए। समझ आ रहा है बेटे,
अभी ध्यान से सुनना, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। क्या बोला? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। ए, पाप किसे कहते हैं? तो वो पांच पाप तो बहुत कम बताया है आपको, हिंसा झूठ चोरी कुसील परिग्रह, ये तो बहुत कम है, लेकिन ये भी पाप है। लेकिन सुनो, तुम जो भी काम करते हो और दुखी हो जाते हो तो पाप है। देखो नीचे क्या लिखा है, दुखी व्यक्ति पापी है। क्या लिखा है, क्या लिखा है? दुखी व्यक्ति पापी है। जोर से बोलो। नहीं समझ आया? अभी मैं समझा रहा हूँ जहाँ आपकी नजर नहीं गई। आप मंदिर में पूजा कर रहे हो और दुखी हो, यार कहाँ से मंदिर करना, दर्शन पूजा, इतनी बड़ी बड़ी पूजाएं लिखी है, नमो अधिष्ठानम, ये विधान भी यहाँ मर गए, अरे चलो और दो दिन की बात है। तो ये विधान करके पुण्य कर रहा है कि पाप कर रहा है? दुखी व्यक्ति, आगे बोलो, ऐसे नहीं बैठा, दुखी व्यक्ति, समझ में आ गया आपको? अपन पांच साल तक यहाँ शास्त्री कर रहे और रोज सोच रहे यार अपन इंजीनियर नहीं बन पाए, यार सीए बन जाते, डॉक्टर बन जाते, अरे यार क्या यार किस्मत खराब है, चलो अपनी किस्मत ही खराब है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो पांच साल दुखी होकर के पढ़ना मतलब, दुखी होकर पढ़ना मतलब, अब समझ लो आप, अच्छे काम भी आप दुखी होकर कर रहे तो क्या कर रहे हैं वीरेन भाई? पाप ही कर रहे हैं। देखो हिंसा झूठ चोरी कुशील पे तो नजर चली जाएगी हमारी, ये तो बहुत स्थूल है, लेकिन आचार्य ने परिभाषा क्या लिखी, दुख का कारण बुरा कार्य, बुरा कार्य, दुख का कारण है तो वो बुरा कार्य है, दुख का कारण है तो वो बुरा कार्य है और वो पाप है। सुनो उल्टा नहीं पकड़ना, तो फिर दुख का कारण बुरा कार्य, तो अच्छे से कार्य करो जिससे हम दुखी ना हो, ऐसे विधान करवाओ जिससे हम दुखी ना हो, ऐसी पूजा करो जिससे हम दुखी ना हो। समझ में आया कि नहीं आया? हम ये नहीं कह रहे कि विधान नहीं कराएं, लेकिन ऐसे विधान नहीं करा, अब चलो भैया करवा लो, एक लाख से ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, देखो हमारी बस की नहीं है, तो आप कोई बात नहीं एक लाख खर्चा करो, लेकिन दुखी होकर खर्चा मत करो। आपको आधा घंटा एक घंटा रोज पूजन करना है, अपने में यही फर्क है। कुछ लोग विधान में इतना समय लगा देते हैं आठ आठ घंटे और पूरे टाइम यही जपते हैं। आपको पता है श्री चक्र मंडल विधान, तो पहले मालूम देश में कैसे विधान होता था इसका, पहले दिन एक पूजा होती थी तो आधा घंटा में पूरी हो जाती थी क्योंकि उसके आठ ही अर्घ होते थे, दूसरे दिन 16 होते हैं, तीसरे दिन 32 होते हैं, चौथे दिन 64 हो जाती है, ऐसे ऐसे डबल डबल होता जाता है, और आठवीं पूजा में 1024 करीब हो जाते हैं, इतने सारे अर्घ हो जाते हैं। तो पहले दिन तो बहुत अच्छा लगता है, वाह थैंक्स सिद्ध भगवान, आधा घंटा में हो गया विधान, छुट्टी हो गई। दूसरे दिन एक घंटे में हुआ, फिर दो घंटे में हुआ, फिर चार घंटे में, फिर आठ घंटे में। उस दिन देखो आप पब्लिक को, सुबह से पानी भी नहीं पी सकते, तो नाश्ता भी नहीं कर सकते। तो आप उस दिन, हम देखते थे वो विधान, आठवें दिन का विधान, चौथे दिन क्या, सातवें दिन का विधान भी दुखरूप होता था और आठवें दिन का विधान भी बड़ा दुखरूप होता है। कुछ लोग बैठ जाते थे, ऐसे बैठ जाते थे जैसे मरघट में जाते हैं ना बैठने के लिए, सौ सवा में नहीं जाते, ऐसे बैठ जाते हैं, पैर की ट्रिग्नोमेट्री बना देते हैं, त्रिकोण मिति नहीं बन जाती, पैर का डिजाइन ऐसा हो जाता है, एक रेखा ऐसी खिंच जाती है हाथों की, दो पाओ की बन जाती है ऐसी, बिल्कुल यहाँ से बैठे रहेंगे बिल्कुल, वो बड़े दुखी। फिर कुछ लोग यहाँ से दूर से ही, एक जाना चढ़ाता जाएगा दूर से ही, वो ऐसे ऐसे करता रहेगा। अब गाने वाला गा रहा है वो गा भी नहीं सकता, अब बार आपने देखा बार बार उनसे कहना पड़ता ताली बजाओ, जो क्या कहने से, जो क्या नहीं हो तो ताली नहीं बजाते, ऐसे कह क्या कहते, कौन कौन ताली नहीं बजाता, तो ऐसे ऐसे डायलॉग छोड़ते हैं उनके, ताली बजाओ, नहीं बजाओगे तो बेचारा भाई भी तो ऐसे थाली में जाए कहा करे बेचारा। लेकिन अपन ने एक पद्धति निकाली, ये अपनी ही पद्धति है, सोनगढ़ की समझ लो, जयपुर की समझ लो, अपनी पद्धति है, हम उतना ही विधान करेंगे जिसमें आनंद खत्म ना हो, नंबर वन। नंबर टू, हम इसी तरह से विधान करेंगे जिसमें हमारा तत्व अभ्यास खत्म ना हो, हमारी मूल बात है तत्व अभ्यास। ये तो दिल्ली के शिविर से ना 18 दिन का शिविर, वहां से विधान चालू हुआ सुबह सुबह, क्यों खर्चे बढ़ गए तो इसलिए हो गया, लेकिन उसमें भी एक घंटा बस, ज्यादा नहीं होगा। नहीं तो पहले स्ट्रिक्ट थे,
कहीं पर भी सुबह सामूहिक पूजा भी नहीं होती थी, सब अपनी अपनी पूजा करो पढ़ने चले जाओ। 6:30 बजे क्लास लग जाती थी, 7 बजे क्लास लग जाती थी। तो ये थोड़ा चेंज आया, लेकिन उसमें भी यही कि आपकी आकुलता नहीं होनी चाहिए। पूजा पाठ काय के लिए की जाती थी? आकुलता मिटाने के लिए, काय के लिए की गई थी? परिणाम सुधारने के लिए। तो उल्टे दुखी नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया आपको? दुखी होकर के बेटे फिर से सुन लो, दुखी होकर कोई काम करना ये बुरा कार्य है, और वो सब पाप, जोर से बोलो, पाप ही है। समझ में आया कुछ? दुखी होकर कोई काम नहीं करना, स्नान भी कर रहे ना और रो रो के कर रहे तो पाप ही कर रहे आप। दान भी दे रहे ना, दान किसी को, और आप दुखी होकर दे रहे तो आप पाप ही कर रहे हो। चले आगे चल, पाप करने वाला ही दुखी होता है। अब इधर से कह रही, पाप करने वाला ही दुखी होता है। ए तो फिर विधान करवाया तो वो पुण्य किया कि पाप किया? शास्त्र पढ़ा आपने, दुखी होकर चलो भैया अभी 1 घंटा को नियम ले लो, फंस गए थे एक बार विधान में, 1 घंटा को स्वाध्याय को नियम ले आओ भैया, पढ़ ले रहे ना, ताना घड़ी देखा जा रहे, मर गए कहाँ करें, कब पूरा हुई है। जो लोग सामायिक करते ना, सामायिक वाले जरूर ध्यान से सुनना बेटे, मैंने अपनी जिंदगी में क्या सोचा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। सामायिक का कई बार 3 टाइम का नियम ले लिया किसी ने भावुकता में, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम। अब वो मन तो लगता नहीं, और कई बार नींद भी आ जाती तो ज्यादा सामायिक हो जाती नींद में। तो लोग घड़ी लगा कर बैठते हैं, घड़ी लगा करके ताकि अलार्म बज जाए तो अपन जग जाए। इसका क्या मतलब निकल? 3 काल की सामायिक नहीं कर रहे हो आप, दुखी होकर जो काम कर रहे हो वो सामायिक नहीं है, वो पाप ही है। खुश खुश समझ के करो, आनंद की प्रतिज्ञा लो, दुखी होने की प्रतिज्ञा मत करो। पॉइंट समझ में आया? तो पाप करने वाला ही दुखी होता है। कुछ समझ में आ रहा है कुछ? यदि कोई व्यक्ति आपसे दुखी होकर मिल रहा है तो आप क्या समझोगे? कोई दुखी होकर आपको मिलने आए तो क्या समझोगे? जैसे एक महिला, दृष्टांत महिला का है, एक मंदिर में ये 2 महिलाएं बैठी और एक महिला यहाँ से सिर पकड़ के कह रही है, क्या बताएं भैया हमने तो खूब अच्छो करो लेकिन हम फिर भी दुखी। तो अच्छा अच्छा किया कि बुरा बुरा किया? जो फिर से सुन लो, जो दुखी है वो नियम से पाप करके ही दुखी हो सकता है, पुण्य करने वाला दुखी नहीं हो सकता। एक विवक्षा है थोड़ी, हो ध्यान रखना, पुण्य से भी दुखी होता है वो बात की बात है, अभी तो पाप। क्या कहा समझ में आया पीछे विकास? क्या यदि अच्छे से अच्छा काम कर रहे हो, दुखी होकर कर रहे हो, माने वो पाप ही है। 1 करोड़ का दान में दिया दान, और अंदर में दुखी हो रहे, 1 करोड़ चलेगा? बताओ 1 करोड़ चलेगा? हम मर गए, हम कैसे कमाए थे 1 करोड़ चले गए? तो दुखी ही है। तो क्यों दुखी है? 1 करोड़ का देना तो अच्छा, दान तो अच्छा काम था, दुखी क्यों हो गया? पाप क्यों हो गया? क्योंकि सुनो, क्योंकि उसने इस पैसे का अकर्तापना नहीं देखा, ममत्वपना का त्याग नहीं किया। लगा हुई कौन कौन सी 4 बातें होनी चाहिए अजीब के साथ? वेरी गुड। अजीब के साथ साथ 4 भेद विज्ञान कंपलसरी है। कौन कौन सा? एकत्व नहीं करना, ममत्व नहीं करना, कर्तत्व नहीं करना और भोक्तत्व नहीं करना। वेरी गुड। चलूंगा, बस इसको पूरा करते हैं, टाइम हो गया। पाप का कारण कसाय है। देखो पाप का कारण कसाय है, और प्रत्येक अच्छा दिखने वाला कार्य भी कसाय के कारण बुरा हो जाता है। मिला? प्रत्येक अच्छा दिखने वाला कार्य भी कसाय के कारण बुरा हो जाता है। मैं इसको आज ऐसा कर दूंगा कि एक ही पेज पे आएगा अच्छे से, ठीक। और पाप का कारण कसाय है। फिर चौथा है, दुखी होना पाप है। लेके जाओ एक गजब, एक दुखी होना ऑलरेडी अपने आप में एक पाप है। समझ में आ रहा? कुछ नहीं आ रहा। दुखी होना अपने आप में एक पाप है। स्वाध्याय करेंगे तो पुण्य होगा कि पाप? कौन बताएगा, समझाएगा कोई? स्वाध्याय करने में पुण्य होगा कि पाप? हाँ, स्वाध्याय भी दुखी होकर करेंगे तो पाप ही होगा, लेकिन लोग इसे धर्म समझते हैं, मिथ्या। कोई समझाएगा कि स्वाध्याय करके दुखी होकर कैसे कोई धर्म मानेगा? बताएं कोई? जैसे 6 डाला की पहली ढाल ऐसे पड़ी जाएगी जैसे मातम पुरसी की जा रही हो, रो रो के पड़ी जाएगी, चेहरा उतार के पड़ी जाएगी,
हे भैया नरक में जाओ, तिल तिल करे देह के खंड, भैया असुर भिड़ा रहे और सिंधु नीर मैंने यहाँ से रो रो के गाया जाएगा और पंच परावर्तन जब सुनाया जाएगा ना ये सब, तो आंखों में आंसू भर भर आएंगे और ऐसा लगेगा अरे आज अपन ने बहुत धर्म किया, आज बैराग आ गया। बिल्कुल रॉन्ग। जिनवाणी पढ़ करके दीन नहीं होना है, रोना नहीं है, कर्तव्य तो करना है, वेद विज्ञान करना है, पुरुषार्थ करना है, लेकिन दुखी होकर के पढ़ना इतना बुरा लगता है। जब कोई महिलाएं या पुरुष मंदिर में बैठ गए 8-10 यहाँ से बिल्कुल मातम पुर्सी वाली स्टाइल में, वही टिग्नोमेट्री साइज ऐसे बैठ गए और फिर धीरे धीरे गा रहे बिल्कुल पोपले मुंह से क्या कहे, मोह महामद पिया ना, रुत जा रहा है वो सारे का सारा। ये भैया बड़ो शेर छोटे शेर को खा जाते, बड़े बड़े बलवान जीव छोटे को खा जाते, ऐसे दुष्ट हैं सबके सब। मैंने वो रोना नहीं है, सीधी सी बात है। हमारे गुरुजी ने हमको इसे पढ़ना सिखाया, पहले हम भी ऐसे पढ़ते पढ़ाते थे और सबके चेहरे उतार देते थे तो खुश होते थे हम। सबसे बड़ा पंडित कौन कि जब पहली ढाल पढ़ाए तो सबकी शकल उतार दे। तो हमारे गुरु जी ने इसका प्रवचन करना सिखाया हमको, यहाँ से नहीं करना। क्यों, वीर सागर जी पधार गए, आ गए नहीं अभी नहीं है। वीर सागर जी ने एक बहुत अच्छी बात बहुत साल पहले, आज से 28 साल पहले खतौली में कही थी वो बात, मुझे उन्हीं का नाम से याद है कि जो जिनवाणी माता आपको संकलेश पैदा कराए, धर्म ध्यान कराना चाहिए, आर्त रोध ध्यान नहीं कराना चाहिए। जिनवाणी पढ़ करके आर्त रोध ध्यान नहीं करना, क्या बोला हमने बेटे, जिनवाणी पढ़कर आर्त रोध ध्यान नहीं करना, रुलाती नहीं है। उन्होंने इतनी अच्छी बात कही, यदि माता की गोद में आकर के भी शिशु रोएगा तो इसके आंसू पोंछेगा कौन, क्या बोला, कौन बोलेगा स्वामी बाब, जिनवाणी माता की गोद में आकर के भी बच्चा रोएगा तो आंसू पोंछेगा कौन। इसलिए जिनवाणी पढ़ने की स्टाइल सीखने की जरूरत है। आप स्वामी जी के प्रवचन पढ़ना छह डाला की पहली डाल के, और हमारे गुरु जी के प्रवचन तो सुनना आपको बहुत मजा आएगा। वे इतने आनंद से ऐसे आनंद से कहते हैं, वो क्या है, सुख चाहे दुख ते भय बंद। पंडित साहब ने क्या बोला पता है, सुख चाहे या ते दुख बंद, नहीं समझे, अरे सुख स्वभावी हो, सुख स्वरूप ही हो, सुख चाहे क्यों रहे हो, सुख चाहे तो इसलिए दुखी हो, ये कह रहे पंडित साहब, ये ऐसे अर्थ किया उन्होंने। और फिर तिल तिल करे दे के खंड, साफ साफ तो कह रहे आत्मा खंड खंड कहाँ करे, कहा ये खंड खंड करे, तिल तिल करे, बोलो देह के खंड, फिर भी मैं तो रहूंगा खंड, बस पढ़ो। तो पहली ढाल पढ़ने की स्टाइल उन्होंने सिखाई हमको, अब हम बहुत मजा करते हैं। अब पहली ढाल में हम रोते नहीं कभी, आप भी रोना नहीं और रुलाना भी नहीं, क्यों, आज रोज ध्यान करने के लिए जिनवाणी नहीं है। इस तरह से चार पॉइंट हुए, जरा बोलेंगे एक बार, आइए आपका इंतजार चल रहा है आखिरी में आपका ही नाम लिया मैंने, अब यह आपकी बात याद आई थी तो मैंने सुनाई इनको, खतौली की 28 साल पहले बहुत सुंदर बात थी वो, तो समझ में आया आपको, जिनवाणी रुलाती नहीं है, यदि जिनवाणी माता की गोद में आकर कभी शिशु रोएगा तो उसके आंसू पहुंचेगा कौन। ये आपकी बात बहुत मुझे मजेदार आती है, अभी सबको शेयर की मैंने, समझ में आई बेटे, तो पूरी बात इनको बता दी, आपको तो इशारा ही किया। तो दुखी व्यक्ति पापी है, पाप करने वाला ही दुखी होता है, पाप का कारण कसाय है, और प्रत्येक अच्छा कार्य, ये सोचो बेटे, इसे विश्लेषण ज्यादा नहीं कर रहे, अच्छा काम दिखने पर भी यदि दुखी हो रहे तो वो पाप ही कर रहे हो आप। और अंतिम कौन सा था बढ़िया, दुखी होना पाप है। अब इसमें ये सब निकल जाएगा, अब क्रोध कसाय का प्रकरण इसमें और क्या क्या लिखा है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे।